7 तारीख को साइकिल का बटन दबाए और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। यूं तो हर आगाज का अंजाम होता है, यूं तो हर आगाज का अंजाम होता है। दुनिया में बेशुमार तारे हैं, मगर हमारे नेताजी का नाम होता है, हमारे नेताजी का नाम होता है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अगले चरण के मतदान के लिए अपने सियासी मोर्चों पर तैनात हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मैनपुरी में चुनाव प्रचार दिन प्रतिदिन तेजी पकड़ता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। लेकिन मैनपुरी में आज जो चुनाव प्रचार की झलकियां नजर आई वो कुछ अलग ही थी। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव चुनाव प्रचार करती नजर आई। वो गांव-गांव जाकर मां डिंपल के लिए 7 तारीख को मतदान करने की लोगों से अपील करती नजर आई। इतने स्नेह भरे स्वागत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ और 7 तारीख को आप सभी लोग जाइएगा और समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा अपने संविधान को बचाने के लिए। जय हिंद, जय समाजवाद। अदिति यादव के चुनाव प्रचार के दौरान उनको देखने के लिए गांव की महिलाओं और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। साथ ही लोगों ने फूलों की माला और चांदी का मुकुट पहनाकर उनका जोरदार ढंग से स्वागत भी किया। हालांकि पहले भी अदिति अपने मां के साथ देखी जा चुकी हैं और बेटी के राजनीति में आने को लेकर सवालों का डिंपल जवाब देने से लगातार बस्ती नजर आई है। आदरणीय डिंपल यादव जी को आशीर्वाद दिया है, श्रद्धेय नेताजी को हमेशा ऐतिहासिक मतों से जीता है और उन रिकॉर्ड मतों को तोड़ते हुए आदरणीय डिंपल यादव जी को यहां से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराई। इस बार भी मैनपुरी की जनता इतिहास रचने जा रही है और 5 लाख से बड़े अंतर पे यहां की जनता आदरणीय डिंपल यादव जी को सांसद बनाने जा रही है। और आदरणीय डिंपल यादव जी ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीतने जा रही है। और आज पहले चरण का मतदान है, आपने देखा होगा कि पश्चिम से लहर चली है और पूरब तक चलेगी। गाजियाबाद से गाजीपुर तक हमारी सीटें जीतेंगे, आदरणीय अखिलेश जी ने कहा। यहाँ मैनपुरी में अभी तक कैंपेनिंग के दौरान देखा गया कि डिंपल जी अकेली लगी थी, कुछ दिन बाद तेज प्रताप जी भी उनके साथ आए। अब दिखाई दे रहा है कि अकेली अदिति मैदान में है आप सब लोगों को लेकर के। देखिए चुनाव प्रचार में तो लोग बड़ा आश्चर्यचकित हैं कि इस बार अदिति मैदान। यहाँ के लोगों का ये सौभाग्य है कि श्रद्धेय नेताजी का परिवार ये रहा है और परिवार में नेता नहीं होते हैं, परिवार में घर के लोग होते हैं। आदरणीय अदिति जी यहाँ चुनाव प्रचार में निकली हैं, प्रचार करने नहीं अपने परिवार के लोगों से मिलने निकली है और अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए कोई समय, कोई चुनावी रणभूमि या इसकी आवश्यकता नहीं होती है।